ये बताएं कि आपका नाम क्या है और हॉस्पिटल में आप किस पोस्ट पे काम करती हैं और जिस शख्स ने आपको हिरासा किया है उसका नाम क्या है और ये कब से सिलसिला जारी था? जो शख्स ब्लैकमेल कर रहा है, हरासा कर रहा है, उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद शहबाज है। और सर सिलसिला ये थोड़ा सा पहले से शुरू हुआ। ही इज़ अ ड्रिंकर, स्मोकर एक्सट्रीम लेवल तक। और उस बंदे ने यहाँ पे पहले पोस्टिंग थी, वो जिस लड़की के साथ रिलेशनशिप में है वो लड़की मेरी दोस्त थी और बाजवा में भी वो ड्यूटी करती है और शाहदरा हॉस्पिटल में भी करती है। मैं भी बाजवा में ड्यूटी करती थी। जैसे ये मामला थोड़ा हाईलाइट हुए और हाईलाइट होने के बाद उन बंदों ने मतलब बाजवा के बंदों ने पूछना शुरू कर दिया जी तुम्हारा उसके साथ रिलेशन है डॉक्टर शहबाज के साथ ये वो। उस बंदी ने मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया कि जी मेरा नहीं, ये तो इकरा का है। अच्छा, जो अब सूरतेहाल ताज़ा तरीन है वो क्या हुआ है, आपके साथ क्या मामला बना? सर ताज़ा तरीन सूरतेहाल ये है कि जब ये नारोवाल पोस्टिंग पे था तो इसने ये वहाँ से छुट्टी आया या किस तरह भी इस बंदे ने मुझे फुली ट्रैप करने की कोशिश की। इवन दैट इसने ड्रिंक की हुई थी, ये मुझे ज़बरदस्ती फ़ोन पे कहता रहा कि मुझे बाहर आके मिलो, मुझे मैसेज करता रहा मैं लेने आऊँ। उसके कोई एविडेंस है आपके? उसके मेरे पास मैसेजेस हैं, उसकी मेरे पास पिक्चर्स हैं, उसका मेरे पास मतलब हर चीज़ अवेलेबल है। और मैं उस बंदे को उसके बाद ब्लॉक कर चुकी, बल्कि गहे बगाहे उसको थोड़ा बहुत मैं कहती थी कि सर ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। लेकिन वो बंदा लास्ट टाइम बजीद था कि तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आऊँ, बाहर चलें, मैंने फ़ेस टू फेस मिलना है। मैं उसे कहती रही मुसलसल कि सर जो भी बात है आप हॉस्पिटल आके करें, मैं यहाँ सच बताओ कसम खा के कहो तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है, तुमने कभी मेरे लिए कुछ नहीं सोचा। आपके ऊपर तशद्दुद किया है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई है जी, MLC आया। क्या हुआ था उस वक्त जिस वक्त उसने आपके तशद्दुद किया है? सर उसने मुझे ज़दोकोब का निशाना बनाया, अपनी तरफ खींचा और पिछले 2 हफ्ते से वो मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहा था। मेंटली टॉर्चर इस तरह से कर रहा था, मेरी ड्यूटी इवनिंग है, इवनिंग से कभी मॉर्निंग, कभी इवनिंग, कभी मॉर्निंग, कभी काउंटर पे, कभी वैक्सीन काउंटर पे। सर मेरे कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मैं पब्लिक डेस्क पे नहीं बैठ के ड्यूटी कर सकती। मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने मैडम साहबा से भी रिक्वेस्ट की जो डॉक्टर सबाहत हैं, लेकिन मैडम ने भी मेरी एक बात नहीं सुनी। मैडम ने मुझे यही कहा कि इकरा आपको जो भी मसला हो आप मेरे पास आएँ। मैं मैडम के पास ऑफिस में गई, घंटा घंटा बाहर ऑफिस के वेट किया, मैडम ने मेरी नहीं सुनी। मैं मैडम के पीछे लेडी विलिंगडन गई, लेडी विलिंगडन भी घंटा घंटा मैंने वेट किया, मैडम ने मुझे पहले बार में तो इनकार किया, दूसरी बार में जब मुझे बुलाया तो मैडम ने फ़ौरन मेरी, इवन दैट कि मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर्स थे, फिर भी मेरी नहीं सुनी और एप्लीकेशन लेके कहा जहाँ मैं ड्यूटी लगाऊंगी वहाँ करनी पड़ेगी। मैंने कहा मैडम सारा ओके। इस वक्त तशद्दुद किया आपके जिस्म पे, खराशें या जी हैं कैसे? वो आया, उसने मुझे कहा कि अगर तुम मेरी बात मान लेती, मेरे साथ चल पड़ती तो तुम्हें ये ड्यूटी की वजह से